अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सडनली अकलश्त जाने का प्लान कर लिया। सबसे पहले मैंने अपने कोट पहन ली, उसके बाद मैंने अपने रुमाल भी साथ में रखा, क्योंकि मुझे बाइक पे जाना था इसलिए मैंने ग्लासेस भी ले ली। वैसे तो फेस्टिवल स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं वैसे चक्कर के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा किसी दोस्त को साथ में लेके ना जाऊँ। बस मैंने अपना एक कज़िन था, इसको साथ में बिठा लिया और बाइक पे ककलश की तरफ रवाना हो गए। सफ़र का आज तो मैंने किया, लेकिन इसमें रोटों के हवाले से कुछ ना बोलूँ तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि पहले तो हम जब बरचित्राल की तरफ जाते थे तो इसमें 8-9 फीट का तो ब्लैक टाइपिंग भी था, फिर इसको भी उखाड़ के हमें ऐसे जलील ख्वार किया हुआ है कि क्या बताऊँ मैं आपको। दूसरी तरफ हालिया बारिशों की वजह से हर जगह पर स्लाइडिंग हुई है। अगर आप भी आना चाहते हो तो आपने पूरी सेफ्टी पे आ जाए। बस अल्लाह अल्लाह करके अबर चित्राल में एंट्री हुआ। ये जो बोट लगे हुए हैं सारे, इससे आगे अबर चित्राल है। असल में ना इस जगह को कोंगिर दिरुबोह कहते हैं। कोंगिर दिरुबोह का मतलब है तलवार से काटा हुआ पत्ते। फाइनली हम पहुंच गए ककलश्त में। जब भी आपको ककलश्त आना पड़े तो अपने पास वाटर लेके ज़रूर आ जाना। तो मैंने वैसे तो भूल गया था वाटर लेने, तो अभी मेरी नज़र एक टेंट पर पड़ी, मैं अभी उधर जा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाटर, मिनरल वाटर आपके पास होना चाहिए अगर आप ककलश में आना चाहते हो, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि ककलश यानी इसको कक का मतलब है, इसमें कोई पानी का वगैरह कुछ भी नहीं होता है मतलब। इसलिए आपके पास सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आप अपने पास मिनरल वाटर लेके आ जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जश्न, वैसे शुरू तो नहीं हुआ है जश्न के लिए, 2 दिन बाकी है, लेकिन आज ही जश्न ही का समय है। देखिए आप मेरा कंप्लीट मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलो मेरे साथ रहे, मैं आपको दिखाता हूँ और भी कलश की खूबसूरत।
और ये था हमारी आज का शॉर्ट ट्रिप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।